ये सिर्फ एक मेरे बोलने से तो आवाज तो बंद नहीं हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं जनता को देखिए, जिस जनता से मांगा जाता है अगर पैसा कोई भी चीज के लिए, तो ये तो जनता को आवाज उठानी पड़ेगी ना। तो फिर आप क्यों, फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जनता ही लड़ लेगी। नहीं, जनता देखिए, जनता रीजन ये था कि इस जगह पानी जमता था, पानी बारिश में फंस जाता था, तो उनको यह ध्यान तक नहीं हुआ कि हमारी जनता इस जगह पर समस्या का वोट के वोट देंगे इसको आप। हम तीन को दो तीन बोर्ड, हाँ, एगो रात का, एगो दिन का, एगो बयान का। अभी हम भागलपुर के एक नंबर वार्ड में हैं, हमारे साथ पूर्व पार्षद सुनीता देवी जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सिल्क टीवी में। जी धन्यवाद। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी चुनाव का माहौल है? अभी चुनाव का माहौल है तो हर लोग अपने अपने प्रचार में, हर लोग अपने जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। और इस बार भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगला जो 2017 से लेकर 2022 तक जो मुझे जो 5 साल का जो मुझे कार्यकाल मिला, उसमें 2 साल तो कोरोना में ही चला गया। तो ये तो भयभीत स्थिति थी उस समय, जो कि एक दूसरे से लोग मिल भी नहीं सकते थे उस समय। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं थी, जो भी उनकी तरफ से मदद थी, तो वो तो जनता में तो दिया ही गया। अच्छा, क्या एजेंडा इस बार आप जो वोट मांग रहे हैं, क्या एजेंडा इसका है? अभी एजेंडा यही है कि जो हमारे वार्ड में जो भी रोड नाली जो बनना है, जो कच्ची है, उसको पक्कीकरण में उनको परिवर्तित करना है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या बाढ़ की है, तो सरकार से इसे निजात पाने के लिए मैं खुद पहले भी आवाज़ उठाई हूँ, आगे भी आवाज़ उठाऊंगी। और मैं चाहूँगी कि सरकार का ध्यान ये हमारे लालूचक जो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हरिजन टोला, बुद्धूचक, लालूचक। अच्छा, कोरोना के कारण 2 साल बर्बाद हुआ, बाकी 3 साल आपके पास था, 3 साल में कोई 5 काम आप गिनाइए जो अच्छा किए आप। जी, जहाँ पे पानी की समस्या थी वो मैंने उसको निजात दिया है। जो रोड नाली की जो समस्या थी, समस्या तो देखिए बहुत सारी रहती है, लेकिन उसमें से कुछ खास है जो कि रोड नाली है, पानी की समस्या थी, बाढ़ कार्यालय बनना है। अगर सुनिए ना, अगर पानी का समस्या की अगर बात करें हम, तो कई जगह अभी नगर निगम का जो नल है अभी भी पानी बह रहा है, सिर्फ उसमें नल का टोटी लगाना है, वो भी आप लोग से नहीं हो पा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। कई जगह अगर आप चलिए, आपको हम चल के दिखा देंगे, कई जगह बह रहा है पानी, खुलेआम बह रहा है। सही बात है, लेकिन देखिए जितना हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, अगर किसका जिम्मेदारी है, थोड़ा सा जनता का भी होना चाहिए कि ये तो छोटी मोटी बात है, उस पर भी छोटी बात नहीं है। जो छोटी बोलने दीजिए एक बार, जो छोटी छोटी चीज होती है ना, वही सबको पूरा करने के बाद एक बड़ा सफलता मिलता है। तो छोटी चीज को आप इग्नोर कर, कहीं ना कहीं आप सक्षम नहीं, इसका मतलब नहीं, इसमें तो हमें भी ध्यान देना है और साथ में जो हमारी जनता। तो आप बोलते हैं छोटी छोटी चीज, आप छोटे छोटे चीज के लिए आप वोट मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ पे नल में पानी बह रहा है, अगर हम ये यहाँ पे 2-4 घर है, तो उनको भी आपस में, ये हमारी चीज है, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि हम ही इससे पानी पीते हैं, इसको अगर बह रहा है कोई तरह का पानी तो हम इसको बंद करते हैं। 5 साल में तो 3 साल आपको मिला सही तरीका से, 3 साल में कौन कौन सा रोड नाला आपने बनवाया है? जी, ऐसे तो बहुत सारे रोड नाले हैं जो कि बनवाई हूँ, जैसे बंडिंग घाट है, बैरिया पुल की तरफ जो है, और उसके बाद लालू चक की तरफ जो सुनील मंडल जी का घर है, वो सब भी मैं बनवाई हुई। ऐसा एक भी रोड नहीं है जहाँ वाइब्रेटर का यूज किया गया, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जो भी एजेंडा वहाँ से बनता है नगर निगम से, ये तो आप बोल रहे हैं ना, ये तो आपने हमसे सवाल किया है, लेकिन ये सवाल का जवाब तो वो नगर निगम की तरफ से जो मिले आपको मिलेगा ना। हमें तो जो जब वो रोड बन रहा था, आपका क्या भूमिका था उस समय? आपको तो रोकना चाहिए कि सही बनवाइए, सही काम करवाइए, क्योंकि मुख आप हैं वार्ड में। देखिए, सही सब कुछ बनता है, ऐसा बात नहीं है कि सही नहीं बनता है। हम जनता के साथ में जागरूक हो करके, अगर ये रोड बना है बंडिंग घाट वाला भी, तो यहाँ की जनता को हमने सही बोला भी है कि आप लोग का धरोहर ही है, ये आप लोग की चीज है, आप लोग स्वयं खड़े होकर के इस पर निर्माण करवाइए। अच्छा, आपके आपके वार्ड में जो है ना, कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, अगर वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या आवास या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या फिर रजिस्ट्री कराने, कुछ भी कराने जाते हैं, तो वहाँ पे हर डेस्क पे पैसा देना पड़ता है, उसके खिलाफ आपने कभी आवाज उठाया है? जी, आवाज की बात है तो देखिए, सिर्फ एक मेरे बोलने से तो आवाज तो बंद नहीं हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं जनता को देखिए, जिस जनता से मांगा जाता है अगर पैसा कोई भी चीज के लिए, तो ये तो जनता को आवाज उठानी पड़ेगी ना। तो फिर आप
आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जनता ही लड़ लेगी। नहीं, जनता देखिए, जनता हमारे सपोर्ट में रहेगी। आज हम जनता से प्रयास मांगने आए। सामने तो आपको खड़ा, एक सेकंड, सामने तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ना। अगर हमसे पैसा मांगा जा रहा है, हम एक नंबर वार्ड के सदस्य, हम एक नंबर वार्ड, हमारे पास नहीं आया है कोई शिकायत, नहीं कोई शिकायत ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा 99% शिकायत है कि हर डेस्क पे पैसा लगता है, ये सच्चाई है? ये हमारे पास में कोई शिकायत, कोई जनता हमारे पास लेके नहीं आई है। अच्छा, शिकायत लेके लोग जाएगा तब आप करेंगे? आप तो, आपको दिखना चाहिए कि 99% लोग हर डेस्क पे पैसा लेते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जब तक शिकायत, देखिए अभी मैं आई हूँ अपना चुनाव क्षेत्र में, मैं अपना प्रचार कर रही हूँ। अभी मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझे मिलने वाले हैं, आपने हमसे रूबरू किए, तब ना मैं आपके बारे में जानी कि आप कौन है। उसी तरह से जनता को अगर कोई परेशानी होती है तो जनता जरूर मुझसे मिलेगी ना। अच्छा, यह बताइए, स्वास्थ्य में अगर एम्बुलेंस का सेवा कैसा आपके वार्ड में, ये बताइए जी। अभी तक तो जिसको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी है तो खैर उसके लिए तो ठीक है। अच्छा, आपके, आपके स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है हमारा। नहीं, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आता, ये सच्चाई है। आम पब्लिक का भी रिव्यू लेंगे तो साफ साफ मालूम चल जाएगा। खुद अभी कॉल कीजिएगा 102 पे तो नहीं आएगा, 2 घंटा लेट आएगा, तब तक मैं जान चला जाएगा, ठीक है, ये सच्चाई है। और दूसरा बात ये कि आपके जो वार्ड में जितना भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, हर जगह पढ़ाई का स्तर एकदम नीचे गिर गया है। टीचर लेट से आते हैं, लेट से जाते हैं, लंच मिड डे मील सब का सब पूरा सिस्टम बेकार पड़ा। उसके खिलाफ आप क्या, उसके खिलाफ आप आवाज उठाया आज तक? देखिए, मिड डे मील के लिए तो मैं जरूर आवाज उठाई हूँ। कोई स्कूल में ऐसा, मैं अपने वार्ड में भी गई हूँ जहाँ की चावल में कीड़ा भी निकलता था, तो उसके लिए आवाज उठाई। तो उसके लिए तो फिर वहाँ से जो भी पदाधिकारी थे जो कि इसकी जांच के लिए भी गया, तो वहाँ से जब मामला हो करके आया तो उसका जो निरीक्षण हुआ उसमें भी कम से कम सब ठीक ही रहा। अच्छा, स्कूल में अगर कोई तरह का समस्या पाया था तो कंप्लेन आप कहाँ जाके करते हैं? अभी तक मेरे पास में कोई ऐसा कंप्लेन, अगर मान लीजिए कि कोई समस्या नहीं, होता नहीं, है, देखिए जो इन फ्यूचर, नहीं इन फ्यूचर की बात तो बाद में करेंगे। अगर मान लीजिए मिड डे मील में कीड़ा निकल गया, आप कहां कंप्लेन करेंगे? फ्यूचर की बात तो बाद में करेंगे, पहले जो जनता अगर हमारे पास में जो भी बात करेगी उसका हम सोल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। अभी हम इसके बारे में आपको क्या पता है? मान लीजिए खाना में कीड़ा निकल गया, आप किसके पास कंप्लेन करेंगे? माने नहीं, मैं ये बात नहीं, जब जनता हमारे पास में शिकायत करेंगी तो हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे। आप एक्शन लीजिएगा, बीआरसी लेगा? देखिए, वो कोई भी लेगा, हमारे द्वारा ही ना जाएगा शिकायत। अच्छा, आपसे आखिरी एक सवाल है, जीत करके अगर आप आएंगे तो सबसे पहला आपका क्या कदम होगा? देखिए, बहुत सारा हम मुद्दा पे चर्चा किए, हर जगह आप पीछे टांग खींच रहे थे, भाग रहे थे, ये बताइए कि आप सबसे पहला पहल आपका क्या होगा? जी, टांग खींचना और भागने की बात, मैं ऐसी महिला नहीं हूँ। जहाँ पे समस्या सुनने की बात है तो मैं जरूर सुनती हूँ। आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि मैं पीछे भाग रही हूँ। सवाल पूछे, आरोप नहीं, 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 ये गलत, ये गलत है। आप मीडिया में है तो क्या हुआ, आप वो बाजी बात बोलिए जो आपको, जो आपको शोभा देता हो। आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, मैं जवाब पे जवाब देते जा रही हूँ, फिर आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि मैं पीछे भाग रही हूँ? क्योंकि जवाब से संतुष्ट नहीं हो, इसलिए ये बात बोले। कोई बात नहीं, जवाब से संतुष्ट आप हो या नहीं हो, लेकिन आपके जवाब का सवाल, और मैं दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ? देखिए, ये चीज है, आप बुरा मत मानिएगा कि अगर आप किसी वार्ड के प्रतिनिधि हैं, अगर आप जीत के आते हैं तो पब्लिक जो आपसे सवाल करेगा उसको संतुष्ट करना आपका दायित्व है। जी जरूर, मेरे ये सब जनता है, प्रेमी है, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे भी 5 साल पद मुझे मिलेगा। सवाल इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो पिछले कार्यकाल में आप नहीं किए, आने वाला कार्यकाल में करें। जी जरूर जरूर जरूर, ये तो मैं भी अपने मन में ठान के रखी हूँ कि जो भी मेरा कार्य छूटा हुआ है, आवास योजना का भी कार्य छूटा हुआ है, तो वो सब रोड नाली का भी है, यहाँ पे समस्या है। और यहाँ पे सबसे बड़ी ये सब चीज देखिए, मैं तो इधर देखी हूँ कि छोटी मोटी समस्या है, इनकी सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है, जो कि सरकार का ध्यान इस ओर मुझे देना है। और ऐसे कितने कार्यक्रम हो चुके हैं 5 साल में, जिसमें हर कार्यक्रम में मैंने ये आवाज उठाया है कि यहाँ लालू चक, बुद्धू चक, हरिजन टोला, जो भी हमारे क्षेत्र में जो आते हैं, उस सबसे मुझे सबसे पहले मैं सरकार से ये भी मांग करूंगी, आप लोग के माध्यम से भी मांग करूंगी कि बाढ़ के इस क्षेत्र से निजात दिलाइए, और बिहार सरकार को जो भी लाभ हमारे क्षेत्र में बाढ़ के समय जो दिया जाता है वो हमारी जनता को भी दिया जाए। ये अच्छा, ये है, अच्छा ये बताइए, 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कितना जगह आपसे पैसा मांगा गया किसी काम को कराने के लिए? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं, कहीं नहीं मांगा गया, नहीं नहीं ऐसा कोई शिकायत। फिर भी काम कुछ भी होता है उसमें फॉल्ट पाया जाता है तो पैसा आखिर नहीं, 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 ये सब मैं सवाल आपको जवाब नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई घटना घटी नहीं है जिससे कि इस सवाल का जवाब मैं आपको दे सकूं। चलिए, बाकी आम पब्लिक से हम रिव्यू लेंगे, जो आम पब्लिक यहाँ पे देख रहे होंगे। हम अभी सुनीता देवी जी से बात कर रहे थे वार्ड नंबर 1 में, इनका छाप है मोमबत्ती छाप, मोमबत्ती छाप है। अगर
आम पब्लिक से गुहार कर लीजिए कि आपको लोग वोट दें। कोई बात नहीं, देखिए मैं तो यही बात कहूंगी कि हम पे विश्वास कीजिए, मैं आप लोग के लिए ही लड़ रही हूँ। इस बाढ़ के क्षेत्र से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार से मैं मांग करूंगी कि सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ है वो यहाँ से निजात पाए, और यहाँ की जनता जैसे आम जनता जो सुखी रहती, संपन्न रहती, अपने अपने घर में बीवी बच्चे को परिवार को लेकर के, वैसे लालू चक बुद्धू चक और सब क्षेत्र में अपने अपने परिवार को लेकर सुखी और संपन्न रहे बस। ठीक है ठीक है, बाकी बात करके अच्छा लगा। एक दो रिव्यू इधर ले लेते हैं, आ जाइए। महिला लोग हैं, आप लोग वार्ड नंबर एक से हैं। अच्छा ये बताइए, आज तक कभी कोई समस्या आपको आया है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या समस्या, बोलिए खुल के बोलिए, क्या समस्या? मतलब सुनीता देवी को वोट नहीं देना? नहीं देंगे हम वोट, काहे नहीं देना है? नहीं देंगे, कुछ किया नहीं किया है, देंगे काहे के लिए? कोई काम नहीं किया, बच्चा बीमार पड़ता है जाते हम खरीद को लाए हैं, बच्चा मर गया जिसका गया तिसका, तब क्या चीज कर देंगे उसको वोट? अच्छा कोई कोई तरह का सरकारी सुविधा घर में मिलता है आपको? कुछ का नहीं, कुछ नहीं दिया। बाढ़ पीड़ित के टाइम पे मदद होता है? कुछ नहीं दिया, डूबा था, डूबा था। चलिए ना अभी पानी का सीन दिखा देंगे कितना दूर में है, बखाना पे चार के वहां सितला पर के। चलिए बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी एक दो रिव्यू और ले लेते हैं हम। इधर इधर कुछ जेंट्स लोग हैं, इधर और भी महिला लोग हैं। आप लोग एक नंबर वार्ड से हैं जी। सुनीता देवी कितना बढ़िया काम की 5 साल में? सुनीता देवी को छोड़िए और सब वार्ड काउंसिलर सब जो भी है, हाँ, सिर्फ घूमने के लिए क्रम में आता है और कोई काम के लिए नहीं आता। काम के लिए नहीं आता? कोई काम के लिए नहीं, खाली देखने घूमने फिरने के लिए आता है। हाँ। गरीब गुरबा जैसे है तैसे है, देख रहे हैं? अच्छा आज तक पूरे 5 साल में कोई एक काम बता दीजिए सुनीता देवी बहुत बढ़िया करके रखी है। कोई एक काम, कोई एक काम, कोई एक काम गिनाएगा? कोई कोई आ जाओ आ जाओ, देख लीजिए हमारे साथ एक युवा लड़का है। किस क्लास में हो? 10th में। 10th में है। आज तक सुनीता देवी कोई काम की है? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया। बाकी भैया भी हमारे साथ हैं, आप वार्ड नंबर एक से भागलपुर। जी जी जी। सुनीता देवी पूर्व 5 साल रह चुकी हैं, जिसमें से कि 2 साल का बहाना बना दी, फिर भी उसके पास 3 साल बचता है। 3 साल में कोई एक काम बताइए जो सुनीता देवी बढ़िया की है। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आपको हम अभी तुरंत प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हैं कि ये नाला, ये जो नाला अभी है तो कम से कम आप आके ये नाला देखिए। 5 साल में कम से कम 5 बार भी इनका सफाई नहीं हुआ है। 5 बार भी नहीं हुआ? 5 बार भी सफाई नहीं हुआ। दूसरी बात कि हम लोग जो है हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं, आ जाइए इधर आ जाइए, हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं। देख लीजिए फुटपाथ यहाँ कैसे टूटा हुआ है, फुटपाथ कैसे टूटा हुआ, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। देखिए कचरा दिखाइए, आगे दिखाइए कचरा, दिखाइए कचरा, दिखाइए एक बार कचरा, दिखाइए यहाँ पे एक बार। जी जी। बाकी प्रतीक भाई एक बार इधर घुमा लीजिए, अब बताइए समस्या क्या है। अभी जैसे कि आपने बताया कि वो नाला टूटा हुआ है, तो वो नाले का रीजन ये था कि इस जगह पानी जमता था, पानी बारिश में फंस जाता था, तो उनको यह ध्यान तक नहीं हुआ कि हमारी जनता इस जगह पर समस्या से जूझ रही है, कम से कम इस रोड का कायाकल्प कर दे। ये जो रोड बना हुआ है तो हम लोग का MLC कोटा का ही बना हुआ है, इसके अलावा जब से रोड का व्यवस्था बहुत ही खराब है। स्कूल का स्वास्थ्य का देखे हम, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर आप स्कूल की बात करना चाहेंगे तो स्कूल यहाँ से नजर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए वहाँ पर अभी किचन सेट उसका टूटा हुआ है, उनके बारे में उनको कभी आज दिन तक याद नहीं आया। गई है एक भी बार स्कूल तो हम लोग नहीं देखे हैं कि गया है कि नहीं गया, लेकिन सबसे शुरुआती जब बना था तो कभी सुने हैं कि सुनीता देवी स्कूल जाके कुछ अच्छा काम करवाई हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस टाइम पाता है यहाँ? नहीं, वो सब भी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है ढंग का, कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सी करना जी में हूँ, 5 साल सुनीता देवी थी, कौन कौन काम किए? अरे मत बोलो, घर बना दें जो सबका वही है, देखे नहीं जो आई, इनको कॉलोनी मिलना चाहिए कि नहीं? इनको कॉलोनी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिला है कैसे तो एक रात तक दीर जर लो जेकरो। हाँ वोट के वोट देंगे इसको आप? हम 3 गो दो वहाँ 3 वोट, हाँ एगो रात का एगो दिन का एगो बयान का। चलिए बाकी वार्ड नंबर एक से आपको दिखा रहे थे, बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा हमारा चुनाव यात्रा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।